हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जैसा कि आप थंबनेल से जान चुके होंगे, बहुत से लोगों को ये तो बहुत आसान लग रहा होगा या बहुत ज़्यादा इसको ट्रांसलेट करने में डिफ़िकल्टी महसूस हो रही होगी, तो उसको आज मैं बहुत ही आसानी से इसको ट्रांसलेट करना फार्मूले से सिखाऊँगा। सिर्फ आपको फार्मूला देख लेना है, उसके बाद आप इस तरह के हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए इसका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, उसमें आईएनजी आपको जोड़ना है, प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर इसके नीचे वाला, वो आप के सेंटेंस के अकॉर्डिंग रहेगा, यानी जैसा सेंटेंस आपका रहेगा उसी हिसाब से वो आप बनाएंगे। एग्जांपल समझ लेते हैं पहले। जैसे एग्जांपल है, आदमी मारने की बात ही छोड़ो, तुम तो मच्छर भी नहीं मार सकते। इसमें दो सेंटेंस है, आदमी मारने की बात ही छोड़ो, दूसरा है तुम मच्छर भी नहीं मार सकते, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। तो पहला बनाएंगे नॉट टू स्पीक ऑफ, उसके बाद लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, इसमें वर्ब क्या है, मारने की बात हो रही है तो लगाएंगे किलिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, मैन। नॉट टू स्पीक ऑफ किलिंग अ मैन, यानी आदमी मारने की बात ही छोड़ो, ये तो एक सेंटेंस हो गया। दूसरा क्या था, तुम तो मच्छर भी नहीं मार सकते, इसको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, कैन से बनाएंगे, ठीक है। यू कैन नॉट किल अ मॉस्किटो, ठीक है। नॉट टू स्पीक ऑफ किलिंग अ मैन, यू कैन नॉट किल अ मॉस्किटो, आदमी मारने की बात ही छोड़ो, तुम तो मच्छर भी नहीं मार सकते। इसी तरह दूसरा देख लेते एग्जांपल, खाना खाने की बात ही छोड़ो, उसने मुझे पानी भी नहीं पूछा। यानी आप किसी के यहाँ गए हैं तो कोई पूछता है क्या उसने आपको खाना खिलाया, तो आप कहेंगे कि खाना खाने की बात ही छोड़ो, उसने मुझे पानी भी नहीं पूछा। तो उसको किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले नॉट टू स्पीक ऑफ लिखेंगे, वर्ब है ईटिंग, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, ठीक है। नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग फूड, दूसरा है उसने मुझे पानी भी नहीं पूछा, ठीक है। तो पास्ट इंडिफिनिट में ये बन जाएगा ही डिड नॉट आस्क मी फॉर वाटर, ठीक है। एक और इस तरह का एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाइनीज पढ़ने की बात ही छोड़ो, तुम तो हिंदी भी नहीं पढ़ सकते। तो इसको बनाएंगे नॉट टू स्पीक ऑफ रीडिंग चाइनीज, यू कैन नॉट रेड हिंदी, ठीक है। इस तरह आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे तुम बाइक चलाने की बात ही छोड़ो, तुम तो साइकिल भी नहीं चला सकते। इस तरह आप हज़ारों सेंटेंस बना सकते हैं। सिर्फ आपको ये स्ट्रक्चर फार्मूला आपको याद रखना होगा, पहले नॉट टू स्पीक ऑफ रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरा वाला जिस हिसाब से रहेगा वो सेंटेंस, आप उसी में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। Thank you so much for watching my video.